बढ़ेंगे, अब बात करेंगे तरक्की के गेटवे की। तो देखिए, पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। करीब 3 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे दौसा के धनावर। एक्सप्रेसवे अभी 246 किलोमीटर दिल्ली दौसा लालसोट तक बनकर तैयार है। पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं और ये तस्वीर आपको उसी एक्सप्रेसवे की दिखा रहे हैं। 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है ये एक्सप्रेसवे। दौसा के पास धनावर इंटरचेंज पर विशाल आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अन्य केंद्रीय मंत्री, सांसद व विधायक भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से आज दी जानी है। और इस कार्यक्रम को लेकर आपको बताएं कि 10 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। 10 दिन पहले से ही तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था और तैयारियों को पूरा भी किया गया, लेकिन आज वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले फेज को समर्पित करने वाले हैं। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहने वाले हैं। दुनिया का सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे है और कहते हैं अगर किसी देश की विकास को अगर देखा जाए, अगर उसके विकास को परखा जाए तो वहां की सड़कों को आप देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो समय समय पर ये कहते हुए आए हैं कि हम देश में ऐसा सड़कों का जाल बिछाएंगे कि दुनिया देखती रह जाए। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से आज दी जाने वाली है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा के पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर और वरिष्ठ नेता मदन दिलावर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और साथ में गंगापुर से आए हैं मानसिंह गुर्जर, पूर्व विधायक हैं और चूंकि गुर्जर समाज में भी इनका बड़ा नाम है। लेकिन सबसे पहले बात हम केंद्रीय मंत्री से करेंगे। आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि गुलाबचंद कटारिया साहब राज्यपाल बन गए हैं असम के। बहुत ही शुभकामना देना चाहता हूँ आदरणीय कटारिया जी को। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को जिस तरह से सम्मान मिलता है और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान के गुलाब जी कटारिया को राज्यपाल के तौर पर अब जिम्मेवारी मिली है। तो अब निश्चित रूप से राजस्थान के साथ साथ इन्होंने इतने सालों तक राजस्थान की सेवा की और अब राज्यपाल के नाते अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वहन करेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को जिस तरह से सम्मान मिलता है तो ये एक भाजपा में ही संभव है। देखिए चौधरी साहब, एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक्सप्रेस हाईवे और वो भी ऐसा एक्सप्रेस हाईवे कि दिल्ली और मुंबई दोनों की दूरियों को बेहद कम कर देगा। आप नहीं समझते कि अब जो है देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें देश में होने लगी है, जर्मन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। क्या कुछ खास होगा? और आप तो ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर कि एक ज़माना था सड़कें ख़त्म ही नहीं होती थी, रास्ता चलते जाता था, बहुत देरी के बाद बाड़मेर जैसलमेर आते थे। आज निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आज भारत विकसित राष्ट्र की ओर राह पर चल पड़ा है और ये हम अपने आँखों से देख रहे हैं। कभी हम विश्व के दूसरे देशों में जाते थे तब ऐसी एक्सप्रेस हाईवे जैसे सड़क देखा करते थे, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसे सड़क बने जहाँ मैं अभी इसी रास्ते से आया हूँ और सब जगह सारी सुविधाएँ हैं वहाँ पर। और इससे सबसे बड़ा है कि समय बचेगा और एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती है उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी और देश के सभी कानों के अंदर जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है तो आज इस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामना है। मैं देशवासियों को देता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस सड़क के माध्यम से और ऐसी देश भर में विभिन्न सड़कें बनी हैं जो आज मैं कह सकता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय उनके जो
गति थी वो बहुत धीरे थी, और आज मुझे लगता है कि देश गति के साथ बढ़ रहा है और विकसित भारत बनेगा, और ये आने वाले वक्त के अंदर देश के आम नागरिक को ये सारी सुविधाएं मिलेगी, और हम सबको बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पर जितने लोग आज आए हैं और प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन करेंगे, तो उनको धन्यवाद देने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग भी आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बेहद खुशी है इस सड़क की। मदन दिलावर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन दिलावर से आज इस वक्त बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आखिरकार लीडर अपोजिशन कौन होगा, क्योंकि गुलाब जी आसाम के राज्यपाल बन गए हैं। क्या लगता है आपको, आपकी भी काबिलियत की काफ़ी चर्चाएँ होती हैं? हमारे जितने MLA हैं सब इस योग्य हैं, अब पार्टी डिसीजन करेगी इसमें कौन नेता बनता है वो बनेगा। गुलाब जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके का व्यक्तित्व है? गुलाब जी को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि असम के महामहिम राज्यपाल बन गए हैं, और हमारी पार्टी में राजस्थान में श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, उनके मुकाबले का लीडर हमारे पास और नहीं है। वसुंधरा जी और राजेंद्र राठौड़, ज्ञानचंद पारख, किस तरीके के पार्लियामेंट्रियन? बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको सारी जानकारियाँ हैं। तो यहाँ पर मान सिंह गुर्जर से भी बात इसलिए करेंगे क्योंकि सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है वो भी इससे जुड़ेगा, सवाई माधोपुर ज़िले में भी सीधे तौर पर आदमी दिल्ली से आ सके। निश्चित रूप से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को, राजस्थान को जो विशेष सौगात दी है, इससे सवाई माधोपुर ज़िले के रणथंबोर को टूरिज्म को बड़ा लाभ होगा, और दो जगह पे लालसोट और यहाँ से जो है पूरे सवाई माधोपुर ज़िला इससे जुड़ेगा, और देश को जो गति मिलनी चाहिए एक्सप्रेस वे के माध्यम से, चाहे लॉजिस्टिक के अंदर चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में, वो अब विकसित भारत की ओर भारत बढ़ चुका है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ।